नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। विमानन कंपनी गो फर्स्ट की एक कार दिल्ली हवाई अड्डे पर मंगलवार को इंडिगो के A320 नियो विमान के नीचे आ गई। हालांकि उसके नोज व्हील्स यानी आगे के पहिए से टकराने से बाल बाल बच गई। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA मामले की जांच करेगा। विमानन उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विमानन कंपनी इंडिगो के विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जानकारी के अनुसार इंडिगो विमान VTITJ स्टैंड नंबर 201 पर खड़ा था और एक गो ग्राउंड मारुति स्विफ्ट डिजायर वाहन इस विमान के करीब आ गया और विमान के आगे वाले हिस्से के नीचे रुक गया। विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ है या किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। वहीं शराब के सेवन के लिए ड्राइवर का ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण किया गया है और वह नेगेटिव पाया गया है। विमान निर्धारित प्रस्थान समय पर उड़ा है, जबकि आगे की जांच DASNR के कार्यालय द्वारा की जा रही है। PTI भाषा ने विमानन कंपनी इंडिगो और गो फर्स्ट दोनों ने इस संबंध में बयान के लिए संपर्क किया है। हालांकि दोनों की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।